दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब नया अकाउंटेंट किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो उससे कुछ टेक्निकल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो हमारे चैनल्स के एक व्यूअर्स को भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये था भी अगर हम किसी कस्टमर को 870 रुपये का क्रेडिट में सेल करते हैं, यानी कि उधार में अगर हम उसको सेल करते हैं और कस्टमर ने हमें ऑन द स्पॉट 400 रुपये है जो नगद पे कर दिए हैं, तो इसकी प्रैक्टिकल एंट्री हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे और इसकी एंट्री टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, अगर आंसर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल भी है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी बातें ये प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो सारा ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एंट्री को शुरू करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। भी क्वेश्चन यही था भी हमने राजकुमार को 870 रुपये का सामान हमने सेल किया, जो कि प्रोडक्ट का नाम है माउस विद वायर, क्वांटिटी है इसकी 2 पीस और एक का जो रेट है वो है 435 रुपये। अगर हम क्वेश्चन को देखा जाए तो 870 रुपये बनते हैं इनवॉइस की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब ये मान के चलेंगे ये जो इनवॉइस है हमने कस्टमर को मैनुअल रूप से तैयार करके दिया है और उस पर कस्टमर ने हमें साथ के साथ 400 रुपये का भुगतान कर दिया है, तो 400 रुपये हमने इसी इनवॉइस के ऊपर ही लिख दिया है। वे 400 रुपये कैश रिसीव्ड हमने कर लिए, तो आपके टोटल इनवॉइस की वैल्यू 470 रुपये बनती है। तो अब हमें इसको इंटरव्यूअर के सामने इसको प्रैक्टिकल तरीके से इसको प्रेजेंट करना है भी इसकी एंट्री किस प्रकार बनेगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भी जो अगर इनवॉइस, मान लीजिए हमने इस कस्टमर को 870 रुपये का सामान हमने सेल किया है और कस्टमर की जो पेमेंट हमें 400 रुपये ही रिसीव हुई है, अगर ऑन द स्पॉट हमें 870 रुपये रिसीव हो जाते तो हम इस बिल को कैश बिल मान सकते थे, लेकिन अभी जो पेमेंट हमें ऑन द स्पॉट हुई है वो आधी अधूरी पेमेंट ही रिसीव्ड हमें हुई है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, इसके लिए जो इसकी जो प्रैक्टिकल एंट्री बनने वाली है वो वाउचर पर हम जाएंगे, एफिएट यानी कि हम सेल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पार्टी अकाउंट में हम सिलेक्ट करेंगे राजकुमार को, जैसा कि हमारे पास ये कस्टमर का नेम है जो राजकुमार के नाम से बना हुआ है और इसकी जो डेट है वो 18/8/2021 है और ये हमारी क्रेडिट की सेल है। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बैंक है या कैश है या क्रेडिट है, तो हम इसको दौरान इसको क्रेडिट को ही सिलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ आइटम में माउस विद वायर, तो माउस विद वायर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 पीस है और एक का जो नेट टैक्सेबल जो रेट है वो 368 रुपये और 64 पैसे का है, तो 368 रुपये 64 पैसे और 18% की सेल है। तो इसके बाद में CGST टैक्स और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, IGST के बाद हमारी लोकल की सेल है और उसके बाद हम CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो इस तरीके से इस इनवॉइस की जो वैल्यू बनी है वो 870 रुपये की बनी है, यानी कि अब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया भी हमने 870 रुपये का राजकुमार को क्रेडिट में यानी कि उधार में सेल किया है। तो ये तो था इसका जो इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट जवाब भी हमने 800 रुपये का सबसे पहले जो हमारा कस्टमर है उसको इनवॉइस है जो सेल करेंगे। उसके बाद में बारी आती है भी कस्टमर ने हमें 400 रुपये साथ के साथ ही भुगतान कर दिया, तो अब इसकी एज ए प्रैक्टिकल के तौर पे हम बात करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें, तो इसकी हम रिसिप्ट एंट्री तैयार करेंगे। इसके लिए हम F6 तैयार करेंगे, रिसिप्ट हम करेंगे और उसके बाद में कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और 400 रुपये और उसके अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, तो जो एक नंबर इनवॉइस है उसके अगेंस्ट में उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट हम करेंगे कैश, क्योंकि हमने कैश ही रिसीव्ड किया है राजकुमार से और उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके ट्रांजैक्शन की हम बात करें या इसके कस्टमर की जो लेजर की बात करें, तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे राजकुमार को, तो जो राजकुमार का जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हमें दिखाई देगा वो 470 रुपये ही दिखाई देगा
जो कि आप इस इनवॉइस में देख सकते हो 470 रुपये ही है। क्योंकि दोस्तों मैनुअल अकाउंट्स बनाना एक अलग बात है, और जब हम बात करते हैं इसकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, तो उस वक्त हमें कंडीशन है जो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। क्योंकि हमें अगर ऑन द स्पॉट हमें 870 रुपये ही रिसीव्ड होते, तो उस दौरान हमने जो कैश का जो बिल इनवॉइस जो यहाँ पर बनाया था, उस दौरान हम यहाँ पर इसको कैश सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर कस्टमर का नाम है जो राजकुमार रहता, और उसके दौरान हम इसको, या फिर जो टाइप ऑफ सेल है हमारी, उसको हम कैश कर सकते थे। तो अगर हमें कुछ पेमेंट मैनुअल अगेंस्ट के अगेंस्ट में हमें कैश रिसीव्ड होता है, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में अलग से मेंशन करेंगे। हालांकि क्लोजिंग बैलेंस पे आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 870 रुपये का हमने सेल किया है, और उसके अगेंस्ट में 400 रुपये हमें ऑन द स्पॉट रिसीव हो गए हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस 470 रुपये का। और मैनुअल इनवॉइस में हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं भी कैश रिसीव्ड 400 रुपये। तो टोटल आपका जो टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी टैक्स के समेत जो वैल्यू बनेगी वो 870 रुपये की बनेगी। इसमें से कैश रिसीव्ड हो चुका है 400 रुपये का, तो वही 400 रुपये माइनस होने के बाद भी इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा इनवॉइस के अकॉर्डिंग वो 470 रुपये ही बचेगा। तो इस तरीके की जब हम कंप्यूटराइज बिलिंग करते हैं, तो इसके ट्रांजेक्शन हमें दो टाइप के ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। एक हमें 870 रुपये का सेल का इन्वॉइस क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो 400 रुपये हमें रिसीव हुए हैं उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में अलग से मेंशंस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल भी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।